जहाँ एक तरफ मोदी सरकार का स्वस्थ भारत मिशन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बाड़मेर जिले के ग्राम पंचायत बिसारणिया में गंदगी फैलाई जा रही है। जी हाँ, यहाँ शमशान भूमि में उप स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल कर्मचारी स्वास्थ्य केंद्र का कचरा खुले में डाल देते हैं, जिससे गाय खाएगी तो उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। यही नहीं, इससे कई बीमारियां तक फैल सकती है। इस पर ग्राम पंचायत प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग का कोई ध्यान नहीं। मुजफ्फरनगर में किसानों का चकबंदी अधिकारियों द्वारा किया गया उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जिसमें अधिकारियों ने दोनों किसानों से पैसे लिए और जमीन की सही चकबंदी भी नहीं की। किसानों का कहना है कि किसान ओमपाल से 40,000 व जगजीत से 50,000 रुपए लिए, फिर भी काम में लापरवाही दिखाई। दो दिन बाद भी कुछ समाधान नहीं हुआ तो किसान अपनी बात को लेकर सीओ अमरीश राणा के पास जा पहुंचे। आपका नाम? जीतू। अच्छा जी, ये पूरा क्या मामला है, आप यहाँ चकबंदी अधिकारी से मिलना है? मामला है जी, 60, 65, 65 साल से हम बोते आ रहे जमीन को, उसमें जो है 414 नंबर निकलवा रहे हैं, 414 नंबर निकलवा रहे और 50,000 रुपये हमारे पक्ष ले लिए और दूसरे पक्ष पर भी 40-50 ले लिए। अब वे इस बात को मना कर रहे और हमें जो है गुमराह रख रहे, कारण 65-70 साल से बोते आ रहे जमीन को। तो जैसा कि आप चकबंदी अधिकारी से मिले हो, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने ये कहा है कि जी हम जो है इसे तुरंत ही एक्शन लेंगे 24 घंटे में, और जो है इसे हम बताएंगे कैसे कैसे होगा। आपके पास जो ग्रामीण इकट्ठा हुआ है, किस मामले को लेकर इकट्ठा हुआ और क्या है पूरा मामला? ये ग्राम बिरालसी में चकबंदी प्रक्रिया चल रही है लगभग 3-4 सालों से, और उसमें ये किसान संदीप कुमार पुत्र जलमी जल ये उपस्थित हुए हैं। इन्होंने अपना शिकायती दरखास्त अपने खेत के बारे में दिया है और यह भी कहा है कि इनसे किसी कर्मचारी ने इनसे अवैध वसूली की मांग करी है। इस इनके प्रतिनिधि के रूप में श्री अमरीश राणा जी समाज सेवी जो ग्राम के हैं, ये इनके प्रतिनिधि के रूप में आए थे। इन्होंने गाँव की समस्याओं को रखा और जो समस्याएं मुझे लिखित में दी गई हैं इनका भी, और जो नहीं दी गई है उनको भी मैंने कहा कि इस तरह कोई समस्या हो तो मुझे प्रस्तुत करें, मैं इसका नियमानुसार 24-48 घंटे जिस प्रकार की दरखास्त है उस प्रकार से निस्तारण, अगर ये समस्या का निस्तारण प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र मिसलेनियस एप्लीकेशन पे हो सकता है तो मिसलेनियस एप्लीकेशन पे किया जाएगा, और किसी के नाम खाते या किसी घाटे में कोई गलती है वो न्यायिक मामलों में ठीक हो सकता है तो उनको न्यायिक मामलों की सलाह दे करके आगे कार्रवाई की जाएगी। किसानों ने एक दूसरे का सहयोग करने का पूरा आश्वासन दिया है और उम्मीद है कि हम लोग इस गांव को भ्रष्टाचार रहित, पारदर्शितापूर्ण, एक दूसरे के सहयोग से बहुत मॉडल चकबंदी के रूप में करेंगे। एक बार फिर लालच के चलते अपने ही अपनों के दुश्मन बन बैठे। मामला कसराव गांव का है, जहां रहने वाली गूंगी बहरी दो बहनों ने अपने ही सौतेले भाई के खिलाफ जमी हड़पने का मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन भाई ने पैसे के दम पर अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया और उनकी जमीनें हड़प ली। दोनों बहनें अब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ये बताइए, ये कागज किस चीज का है? ये इनके वरासत का है। इनके वरासत का है, तो ये वरासत जब इनकी है तो इनकी जायदाद तो इन्हीं की हुई ना? हाँ, तो इनकी हुई है तो वो इनकी वरासत जो है तो निरस्त करवा देता है, वो कटवा देता है पैसा देकर, पैसे के दम पे निरस्त करवा देता है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उनको पैसा दें। बिल्कुल बिल्कुल, जब कोई पैसा है अलखा दौलत वो 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 वहाँ पे भर दिए तो हमारे गरीबों की क्या सुनाई है? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी जाऊँ तो सुनाई नहीं है। तो ये पेपर इनके वरासत के हैं? ये वरासत के हैं। ठीक है ठीक है, मैं आपकी बात अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा और मैं लेके चलूंगा आपको। ये भी लिख दिया है कि संरक्षक कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जब हमको कोई खबर नहीं है कि कहाँ पे मुकदमा चल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या, कुछ नहीं, हमको खबर ही नहीं है। खबर नहीं, सम्मन वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट अपना फैसला करवा लिया, यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, आपकी बात मैं अधिकारियों तक पहुँचा रहा हूँ और मैं लेके चलूंगा अधिकारियों के पास में, SDM हाँ। के पास में, तहसीलदार, नायब, जहाँ जहाँ से दोबारा जब हमने इनका मुकदमा दायर किया है हाँ। तो तहसीलदार को खारिज करवा दिया, फिर हम ये जा करके DM के पास किया हाँ। हमारा वकील कहा कि DM के पास फैसला होगा हाँ। जब DM के पास गए
तो डीएम जो है तो मुकदमा चला रहा था। उसके बाद में जिस दिन वो हुआ क्या कहते हैं बहस, तो हमारा जो वकील है उसने हमको बहस पे नहीं बुलाया और ना हमको खबर दिया। हाँ तो वकील को अपना सिस्टम में अपना किस ढंग से बाहर तुमको खबर नहीं दी, खबर नहीं दिया, वहाँ पे सब हो गया है। और जब हम उससे पूछा कि वहाँ पे क्या हो रहा है तो बोले कि वो तो बहस हो गई है और फाइल जो है तो फैसले पे लग गई है और वो फाइल मिल नहीं रही। तो हमने कहा क्यों नहीं मिल रही, तो बोला कि पैसा की जरूरत। तो अभी क्या क्या आप चाहती हैं, आप आगे केस लड़ना चाहती हैं? भाई केस तो हम लड़ना चाहते हैं लेकिन अब क्या करें, दो बार तो वो इतना इतना पैसा भर के मुकदमा जीत लिया है। अगर हम दोबारा करते हैं तो हमारे पास कहाँ है पैसा कि हम इतना पैसा नहीं है सर। अधिकारियों से फरियाद तो कर सकती हैं आप, मैं अधिकारियों तक आपको पहुँचाऊंगा। अधिकारियों से फरियाद तो करते करते हमारी जिंदगी खत्म हो गई, कितना हमने किया। एक बार और आप अधिकारियों से फरियाद करिए, मैं आपका सहयोग करूंगा। जो न्याय है वो इन लड़कियों को, गूंगी बहरी लड़कियां हैं, इनको न्याय मिलेगा। और मैं कोशिश यही करूंगा सरकार तक आपकी बात पहुंचाऊंगा और हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे तक आपकी बात पहुंचाऊंगा, सारे चैनलों तक आपकी बात ये चलेगी। ये गूंगी बहरी लड़कियां हैं, इनकी मदद की जाएगी। और एक बात और है बताइए, उसने ये कि इसका ससुर जो है महबूब, हाँ वो लगा हुआ है, महबूब लगा हुआ है इसमें, महबूब है या मतलब कोई नहीं। महबूब का कहना है कि ये जायदाद जैसे भी मिलेगी वैसे हम हासिल करके रहेंगे। और हमको ये भी वार्निंग दिया हमारे उससे गया जो साझीदार, उससे कहा है कि यही हर गांव से वो जाती आती है, मैं चाहूँ तो उसके साथ में क्या नहीं कर सकता, अधिकारियों को बुला ले, यानी मुझे मरवा भी सकता है वो। चलिए तो अब वो मरवा देगा तो वो सुकून से नहीं रह पाएगा, आपके साथ में पूरे जन जन बच्चा बच्चा आपका साथ देगा, ये गूंगी लड़कियों का साथ देगा, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए, उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के विकासखंड रुद्रपुर अंतर्गत करीब आधा दर्जन बिना मान्यता के चल रहे निजी विद्यालयों को छुट्टी कर बंद करवा दिया गया तथा चेतावनी दी गई कि अगर भविष्य में विद्यालय संचालित होता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार विभाग द्वारा विद्यालय बंद कराने के बाद भी ये विद्यालय संचालित क्यों हो रहे हैं? सरकार ने भले ही मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के दंश से बचाने के लिए तीन तलाक विरोधी कानून बना डाला हो, मगर आज भी मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक का दंश झेलने को मजबूर है। ताजा मामला यूपी के बुलंदशहर का है, जहां सात समुद्र पार सऊदी अरब में रह रहे पति ने मामूली सी बात पर पत्नी को टेलीफोन पर तीन तलाक दे डाला। पीड़िता ने एसएसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई तो एसएसपी ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने का दावा किया है। क्या नाम है आपको? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। आप यहाँ पर आए हैं पुलिस ऑफिस में, क्या बात है? बात ये हुई कि यहाँ एसएसपी के यहाँ पर हमने तीन तलाक का केस दर्ज करा था, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। क्या हुआ था आपकी? हमारी बहन के साथ दहेज का वो था, दहेज मांगनी मांग थी, दहेज की ना देने पर इसे तलाक दे दिया। कहाँ रहते हैं इनके? वो सऊदी अरब रहते हैं। कैसे दिया तलाक? फ़ोन पे तीन तलाक दिए थे, तीन बार कहा था मुझे। सर आपके सामने अभी एक पीड़िता तीन तलाक पेश हुई थी, क्या मामला था सर, किस टाइम कार्रवाई की? ये जहांगीराबाद की रहने वाली एक मुस्लिम महिला मेरे समक्ष अभी पेश हुई थी। उसने बताया कि उसकी शादी बुलंदशहर कस्बे में हुई थी, पति सऊदीया में काम कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से आए नहीं हैं। आरोप यह था कि चार महीने पहले उन्होंने फ़ोन पर तीन बार तलाक कह करके संबंध विच्छेद किया है। उसके प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराकर और जांच करा के वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर प्यार का चलन तेजी से बढ़ रहा है, कहीं ऐसी डेटिंग एप्स हैं जिसके जरिए लोग डेटिंग कर रहे हैं, पर इसके साइड इफेक्ट्स भी सामने आने लग गए हैं, जहां लोग प्यार का दावा तो करते हैं लेकिन उस प्यार को किसी ऐप की तरह इस्तेमाल कर छोड़ देते हैं। जी हां, ऐसा ही एक मामला फिरोजाबाद से सामने आया है, जहां वीवो ऐप के जरिए पहले तो युवक ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर शादी का झांसा देकर प्रेमी डेढ़ साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। प्रेमी के लिए युवती ने दूसरी जगह से हो रही शादी करने से भी इनकार कर दिया। अंत में प्रेमी ने भी शादी करने से इनकार कर दिया।
अपना भविष्य बर्बाद होता देख युवती दासगंज थाने पहुंच गई, जहां युवती अब प्रेमी को सजा दिलाना चाहती है। युवती का कहना है कि अब उस धोखेबाज युवक के साथ नहीं रहना चाहती। एसएसपी आगरा से युवक की शिकायत करेगी ताकि उसको सजा मिल सके। क्या नाम है आपका? प्रिया सिंह। प्रिया जी, क्या घटना हुई आपके साथ, पूरी बात बताओ। मैं बनारस की रहने वाली हूँ, मैं एक एनजीओ में काम करती थी, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरा करण खुराना जो आगरा के रहने वाले हैं, उनके पापा का नाम अशोक खुराना है, उन्होंने मेरा 1.5 साल से उसके साथ अफेयर नेट द्वारा चल रहा था, बीगो ऐप के साथ। तो मेरा 1.5 साल के बाद जब उसने बोला कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, तो मैंने बोला कि ठीक है, क्योंकि मेरी शादी तय होने वाली थी। मेरी 24 जून को शादी थी, और 24 जून को शादी थी, ये मेरे यहाँ 21 जून को गया है मेरे घर पे मुझे लेने बनारस। एक गुकुलगंज में एक होटल है, वहाँ पे वो रुका भी था अपने फ्रेंड राम के साथ, बुलेट से गया हुआ था। वहाँ पे गया, मुझसे बात किया, मुझे किराया दिया और बोला कि मैं जा रहा हूँ, तुम 24 को ट्रेन पकड़ के चले आना, मैं तुम्हें यहाँ रिसीव कर लूँगा। मैं 24 को वहाँ से निकली हूँ, मैं आ गई हूँ यहाँ पे इसके घर पे 25 को। ये मुझे रिसीव किया है, मुझे 2-3 दिन होटल में रखा है। फिर उसके बाद इसके सिस्टर का एक घर है नालंदा टाउन में, 212 फ्लैट नंबर है इसका। वहाँ पे मुझे 3 महीने से रख के मेरे साथ शोषण, मेरे साथ रेप सब कुछ किया है, मुझे टॉर्चर भी किया है, मारा भी है कई लोगों, ये सब आप देख सकते हैं, मुझे कई जगह मारा और मुझे धोखा भी दे रहा था। तो मैंने बोला कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो करण, तुम तो साथ लाए हो शादी करने, इसके मैं शादी नहीं करूँगा। तो इसीलिए मैंने 100 नंबर कॉल करके कंप्लेन भी किया था, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। मैं वहाँ पे गई और इसके फैमिली वाले वहाँ पे ले दे के जो भी करके वहाँ से रफा दफा कर दिए। और इसकी बहनें हैं रिया खुराना, सुरभि खुराना, रेनू, और इसकी जीजू हैं, 3 जीजू हैं, जीजू का नाम नहीं जानती हूँ, वो लोग भी गए थे वहाँ पे। उन लोगों ने मुझे बहला फुसला कर बोला शादी कर लेगा तुम, चलो यहाँ से, थाने में कुछ नहीं होगा। फिर ये लोग मुझे एक रॉयल होटल करके वहाँ पे मुझे 2 दिन से रखे हुए थे। कल शाम को अपने भाई को लेके उसकी बहन सुरभि खुराना और रिया खुराना दोनों आई हैं, दोनों आ करके मुझे बोली कि तुम मेरे भाई को लेके चाहे जहाँ जाओ। मेरा फ़ोन ले ली 2 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए ली, अब पता नहीं वो क्या किए मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद उसका भाई मुझे वहाँ से लेके कानपुर तक लेके आया, कानपुर मुझे जो भी नशे की दवा व जो भी दिया होगा, मैं होश में नहीं थी, मेरे गहने वाले जो भी थे मेरे पास, एक चैन था कान का था जो मेरी शादी में बना था मुझे देने के लिए, और 2 लेडीज रिंग थी और एक जेंट्स का था, मैं सब लेके भाग के आई थी वहाँ से, सब लेके मेरा भाग गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? इसकी शिकायत आपने कहीं दोबारा की है? नहीं, अभी कहीं नहीं की, मैं जा रही हूँ आगरा, जाके मांगती हूँ न्याय मुझे, मैं यूज करने की चीज़ नहीं हूँ।